दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि आप टेलीप्राइम के अंदर किस तरीके से बैंक अकाउंट की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं अपने इनवॉइस के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी सामान को परचेज करते हैं, आप इनवॉइस के ऊपर देख सकते हैं उसके ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, जैसे बैंक अकाउंट नेम हो गया, IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया। इस तरह की फर्दर डिटेल्स आपको बिल के ऊपर मिल जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिल के ऊपर ये सभी डिटेल्स ऐड करना, तो वो आप किस तरीके से टेलीप्राइम के 4.1 वर्जन के अंदर कर सकते हैं, आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने इनवॉइस के ऊपर लोगो प्रिंट कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने इनवॉइस के ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना होगा बैंक अकाउंट का, तो हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से हमें लेजर को सेलेक्ट करना है। लेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक के नाम से लेजर क्रिएट करना है। तो जैसे हमारा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इसे अंडर ऑफ डाल देंगे बैंक अकाउंट के। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो बैकस्पेस दबा करके इसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अकाउंट होल्डर में अपनी कंपनी का नाम ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर एक अकाउंट नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड फिल कर देना है। तो रैंडमली हमने यहाँ पर एक IFSC कोड फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर स्विफ्ट कोड मांगा जा रहा है। अगर आपके पास आपका स्विफ्ट कोड है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये स्विफ्ट कोड एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों स्विफ्ट कोड का तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके बैंक अकाउंट में विदेश से पैसा आ रहा है, यानी कि अगर फॉरेन कंट्री से आपके बैंक अकाउंट में कोई भी मनी आ रही है तो उस केस में हमें यहाँ पर स्विफ्ट कोड डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका जो स्विफ्ट कोड है वो सभी ब्रांच के लिए अलग अलग होगा। एक ही हेड ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड होता है वो सभी ब्रांच यहाँ पर यूज कर सकती हैं। अगर आपको आपका स्विफ्ट कोड नहीं पता तो आप ब्रांच में जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर आप अपने हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम रेंडमली एक स्विफ्ट कोड डाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने बैंक नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप टेलीप्राइम का पेड वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी बैंक की लिस्ट दिखाई देती है। इसमें से आप अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नाम डाल देना है, तो हमने यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आपकी कंपनी का GST नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो रैंडमली हमने यहाँ पर एक GST नंबर डाल दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें यहाँ से स्कैप करके वापस से बाहर आ जाना है और यहाँ से हमें जाना है डेबुक पर। तो दो बार डी दबाते हुए हमें डेबुक पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सेल्स इनवॉइस को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी सेल वाउचर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के आपको ऑल्ट पी प्रेस करना है। ऑल्ट पी प्रेस करते ही आप देख सकते हैं प्रिंट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा करंट प्रिंट का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कॉन्फिगर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक नेम में ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर HDFC के नाम से बैंक ऐड है, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हुए चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर ले लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसे सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करेंगे और ऑल्ट जेड के साथ आप इसे जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दी थी वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इनवॉइस के ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।